शांति 15/12/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। प्रश्न, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। उत्तर, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुक तू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। दूसरा, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगमयुगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। स्लोगन, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एकरस स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि यूं